दोस्तों आपको हम दिखाएंगे कि पहले नंबर 17 किस प्रकार से व्यापारी और वहां के रहवासियों के लिए बन चुका है अब खतरा, किस प्रकार से महानगर पालिका के अधिकारी शहर के पार्षद और आमदारों के आगे हो रहे हैं नतमस्तक, 1.5 साल के अंदर 2 मौतें और कई लोग इन रास्तों के वजह से घायल, व्यापारी की आप बीती अब कहते हैं पूरा बिजनेस हो चुका है ठप, अब पलायन पर हो चुके हैं व्यापारी भी मजबूर। 25 जून के दिन 48 वर्षीय राजेश नामक व्यक्ति की यहाँ पर मृत्यु हो चुकी थी, जिसके लिए आपने महाराष्ट्र के हर एक संबंधित डिपार्टमेंट में आपने इसकी शिकायत की थी। क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर और ये मामला अब कहाँ पहुँचा है? तो भाई ये बरोबर बात है कि मैंने जो 25 जून के दिन राकेश नाम के व्यक्ति, जिनकी आप ये बिजली का पोल देख रहे हैं, यहाँ पर उनकी हाथ लगाने से, करंट आने से और गिर जाने से उनकी मौत हुई, जिसकी मैंने शिकायत पूरे महाराष्ट्र डिपार्टमेंट तक की है। अगर एक मैं बात कहूँगा तो ये बात ये है कि अब उल्लासनगर शहर में इंसानियत मर चुकी है। वो इंसानियत क्यों मर चुकी है कि पिछले 2023 में भी यहाँ पर इन खराब रास्तों के वजह से एक व्यक्ति जो यहाँ पर घायल हुए थे उसकी भी मृत्यु हुई थी। अरे आप शहर के पार्षद कहलाते हो, स्थानीय आमदार को अब आने वाले चुनाव में जीतना है, इस रास्ते की इतनी दुर्दशा क्यों हुई है, इस रास्ते को कितना समय हो गया है यहाँ पर निर्माण कार्य चालू करना, इस निर्माण कार्य चालू में आज यहाँ के व्यापारियों को कितनी दिक्कतें हो रही है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से यहाँ के MSEB डिपार्टमेंट के जो पोल है लगे हुए हैं, लोग उनका सहारा लेके उनको रास्ता क्रॉस करना पड़ता है। मैंने अपने माध्यम से प्रिकॉशन की बात कही थी, विद्युत डिपार्टमेंट को मैंने प्रिकॉशन के लिए कहा था कि आप ये प्रिकॉशन देख सकते हैं, रिबन बांध के रखा गया है, ये है प्रिकॉशन। ये रास्ते खुले पड़े हैं, जो PW डिपार्टमेंट के जो नियम होते हैं, जो बैरिकेड लगाने के लिए जरूरत पड़ती है ताकि लोग वहाँ से न जा पाए, कोई भी नियमों को देखा नहीं जा रहा है, नियमों को अनदेखा किया जा रहा है। आप ये देख सकते हैं ये ओपन, ये MSEB डिपार्टमेंट की ओपन केबल की लाइन ये खुली पड़ी है और लोग यहाँ से आ जा रहे हैं, इसमें करंट है नहीं है ये कोई मुझे जानकारी नहीं है। मैं इस समय वहाँ पर खड़ा हूँ, मुझे दुख इस बात का है कि इस पैनल नंबर 17, जिसे मैं पैनल नंबर अब खतरा भी कहने लगा हूँ, यहाँ पर काफ़ी कार्य तो खोले जा चुके हैं मगर निर्माण कार्य अपने गति से नहीं, अपने मनमौजी ढंग से यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। ये कितनी आप देख सकते हैं, लोग यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ पर वायर खुली हुई है, लाइट के पोल वहाँ पर एकदम टेढ़े हो चुके हैं, वो लाइट के पोल कभी भी गिर सकते हैं, मगर यहाँ पर इंसानियत मर चुकी है। फिर भी मैं मानूंगा कि यहाँ पर विद्युत डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है, हमने उनसे बात की, हमने उनको भी पत्र दिया, बोबरे सर उनसे मैंने बात की, उन्होंने आज यहाँ के नगर सेवक दादा सतराम दास जेसवानी और रवि खिलनानी उन परिवार से मिलने को पहुंचे और उन परिवार को उन्होंने वादा किया और अपने ओर से एक छोटी सी सहायता राशि भी उनको देकर आए और उन्होंने ये वादा भी किया उनसे कि जो डिपार्टमेंट के तरीके से वह उनका मामला जो है, जो मौत हुई है वह मामला वहां तक पहुंचाएंगे और डॉक्यूमेंट्री कार्रवाई करके उस व्यक्ति, उस माँ को, जिस माँ ने अपना आज इधर यहाँ पर बेटा खोया है, उस माँ को मुआवजा वह जरूर दिलाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ के व्यापारियों की तारीफ करूंगा, जिन व्यापारियों ने यहाँ पर मिलकर अपने ओर से एक सहायता राशि, करीबन 25,000 रुपये की राशि उस महिला को उन्होंने मदद करते दी हुई है और यहाँ के परिसर के कुछ व्यापारियों ने भी मिलकर उस महिला को मदद के लिए उन्होंने पैसे दिए हैं, मगर ये दिख रहा है कि कोई भी व्यक्ति मर जाए, यहाँ के पार्षदों को कोई उससे वास्ता नहीं, जनता भार में जाए, इस प्रकार का उल्लासनगर 5 में ये कार्यक्रम PW डिपार्टमेंट द्वारा चलाया जा रहा है, जहाँ कोई भी सुरक्षा नहीं है, कोई भी व्यक्ति कभी भी यहाँ पर किसी की भी मौत हो सकती है, उसका जवाबदार वह खुद है, यहाँ की सरकार, यहाँ की कॉरपोरेशन, यहाँ के पार्षद कोई भी बात से आपसे वास्ता नहीं रखते, केवल चुनाव के समय ये आपके दर पर आएंगे, आपको हाथ जोड़कर अपना वोट मांगेंगे। तो आप गलतफहमी में ना रहे, ऐसे लोगों से सावधान रहे। इस पैनल में काफी सारे और भी कार्य है जो काफी सालों से बंद पड़े हैं, हम
महानगर पालिका के अधिकारियों से और ह्यूमन राइट कमीशन से इस बात की चर्चा करेंगे कि आखिर इतने सालों से ये कार्य जो चालू है, ये कार्य निर्माण जो टेंडर किए गए हैं, अब तक बंद क्यों है। महेश जी, 30 नवंबर 2022 में इस रास्ते का काम चालू किया गया था। करीबन 2.5 साल होने को है, 2.5 साल से ऊपर का समय भी हो गया है। इतने समय में तो एक 8 मंजिला 10 मंजिला इमारत भी खड़ी हो जाती है। देखा जा रहा है कि ये करीबन 500 मीटर रास्ता होगा जिसका कार्य अभी तक पूरा नहीं किया गया है। तो किस प्रकार की ये ठेकेदारी चल रही है, क्या लगता है आपको, ये ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहा है? ये सही बात है, करीबन 2023 अगस्त महीने में यहाँ पर एक व्यापारी जो यहाँ से जा रहा था उसकी गाड़ी से गिरकर उन्हें काफ़ी चोटें आई थी। उन्हें यहाँ के अस्पताल में भेजा गया था, 15 से 20 दिन वहाँ पर उनको हॉस्पिटल में रखा गया था, मगर मुझे अफसोस है उस व्यापारी की मौत हुई। अगर मौत के बारे में कहेंगे तो ये मौत नहीं है, ये मेरे नज़र से हत्या है। जो हत्या दिन दहाड़े हो रही है, लेकिन कोई भी डिपार्टमेंट उसकी मदद नहीं करने के लिए आ रहे हैं। और आज भी स्थिति यही है कि आज दूसरी भी मौत हुई है। मुझे लगता है जिस प्रकार से यहाँ के रास्तों का हाल है, दो दो तीन तीन पोल खुले पड़े हैं, केबल की वायर नजर आ रही है, तो यहाँ पर आने वाले समय में और भी दुर्घटना हो सकती है। ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा कि ऐसी नौबत नहीं आए, मगर लाचार प्रशासन को देखते हुए मुझे काफी अफसोस हो रहा है। ऐसा भी देखा गया था 2022 साल में यहाँ के 10 से 12 स्थानीय दुकानदारों द्वारा 2 लाख रुपए की निधि से यह कार्य, रास्ते का मरम्मत का काम खुद किया गया था। ये सही बात है, काफ़ी समय से यहाँ पर निधि द्वारा यहाँ पर रास्ते का काम टेंडर द्वारा पास हुआ है, वर्क आर्डर आ चुका है, लेकिन काम करने में आनाकानी हो रही थी। स्थानीय दुकानदारों को काफ़ी दिक्कत हो रही थी। दुकानदारों ने यह फैसला किया कि यहाँ पर 10-10 हज़ार रुपया निकालते हुए उन्होंने यहाँ पर डांबरीकरण कराया था, जिस पर काफ़ी वाद विवाद हुआ था। आमदार भी यहाँ पर पहुँचे थे, यहाँ के पार्षद पहुँचे थे, और इस उनको दुख हुआ कि शहर के व्यापारी अब अपने पैसे से यह रोड की मरम्मत करना चाहते हैं। क्या लगता है मनपा प्रशासन ठेकेदार पर इतना मेहरबान क्यों है? यह कार्य, रास्ते का कार्य पिछले 3 सालों में भी खत्म नहीं हुआ है, और जबकि देखा जा रहा है कि सिर्फ 4 मजदूर लोग इस कार्य को करने में जुटे हुए हैं। देखिए, यहाँ पर उल्लासनगर में ज़्यादातर जो ठेकेदार है उनका यहाँ के पार्षदों का आशीर्वाद मिला हुआ है, और पार्षद उन ठेकेदारों को मदद करता है, जिसके वजह से ठेकेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अधिकारी भी मतलब मिठाई खाने में वो व्यस्त रहते हैं। उल्लासनगर में काफ़ी ऐसे मामले हैं जहाँ पर काम भी नहीं हुआ है, बिल भी पास हो गए हैं। ये ऐसी घटनाएँ उल्लासनगर में आम जाम है, मगर प्रशासन खामोश है, क्योंकि यहाँ के जो पार्षद है उन लोगों को, ठेकेदारों को और अधिकारियों को वो खुली छूट देते हैं ऐसा काम करने के लिए, जिसके वजह से आज उल्लासनगर शहर के व्यापारी आज भुगत रहे हैं, और आज शहर के व्यापारी यहाँ से पलायन करने पर मजबूर है, क्योंकि हमारा जो प्रशासन लाचार दिख रहा है और हमारे ये यहाँ के नेता जो मजबूर नजर आ रहे हैं काम, इसके लिए शहर के व्यापारी यहाँ पर परेशान है, और यहाँ से पलायन करना वो अपने लिए बेहतर मानते हैं। लोग ढोल बजा के कहते हैं कि हम शहर में 25 करोड़ की निधि लाए हैं। अरे, 25 करोड़ की निधि किस साल में लाए थे? आज कौन सा साल चल रहा है? उस निधि का उपयोग हुआ, सदुपयोग हुआ, नहीं हुआ? कहाँ निधि लगाई गई है? कहाँ रास्ते बनाए गए हैं? अभी तक रास्ते अधूरे क्यों पड़े हैं? ऐसे कई सवाल है। आने वाले दिनों में हम आपको शहर के लोगों को जानकारी देते रहेंगे, ताकि शहर की जनता और शहर के व्यापारियों का हम भला कर पाए। मेरा नाम सुनील अंबवानी है। हेलो, रास्ता चल रहा है, पिछले रास्ते का काम चल रहा है, इसके कारण आपको क्या परेशानी हो रही है? 4 दिन पहले यहाँ पर राकेश नाम के व्यक्ति की एक मौत हुई है, बहुत दुखद घटना हुई थी। इस रोड के गड्ढों के कारण एक व्यापारी आगे भी गिर चुका है 1.5-2 साल पहले, वो घटना भी बहुत दुखद हुई थी, उससे भी कोई सीखत नहीं हुई। उसके बाद जो ये खड्डे खुदे हुए यहाँ पर रोज गाड़ियाँ गिरती रहती है, रोज मतलब आने जाने के लिए इतनी दिक्कत है कि हम मतलब लफ्जों में बयान नहीं कर पा रहे। प्रशासन से आपकी क्या मांग रहेगी? मांग वही रहेगी, वो जो व्यक्ति था उनके वो जो औरत थी उसके 2 लड़के थे, एक लड़का पहले गुजर चुका है, दूसरा लड़का मौत के कारण वो बेचारा 10-20 मांग के अपनी माँ को पालता था। वो पहले अपने शरीर से बहुत बेजार था, 10-20 रुपए उनसे मांग से, इन रोडों व्यापारियों से मांग के अपनी माँ का खर्चा चलाता था, बहुत दुखी था। मतलब उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं, कुछ नहीं, और खुद भी वो अपने शरीर से भी पीड़ा से भरा हुआ था, लेकिन उसने बेचारे ने फिर भी यहाँ पे यहाँ से व्यापारियों से हेल्प लेके 10-20 उनसे इनका घर चलता था।
रास्तों का काम क्यों पूरा नहीं हो रहा है? रास्तों का काम क्यों नहीं, बहुत से नेता आए, सब आए, लेकिन यहाँ पे काम क्यों नहीं पूरा हो रहा है? अभी इन व्यापारी तो खाली बैठे हुए इंतजार में, आज होगा कल होगा, आज होगा कल होगा। अब खड्डों की हालत देखिए रास्तों की, कौन व्यापारी कौन बाजार में माल कौन खरीदेगा? पहले ही बाजार की हालत इतनी खराब लगी पड़ी है, डेढ़ दो साल से यहाँ पे धंधे की हालत भी बहुत खराब लगी हुई है। व्यापारी पहले ही दुखी लगे पड़े, और इन रोडों के कारण, रस्तों के कारण, और भी यहाँ इस बाजार में आएगा कौन? हम खुद यहाँ पे धंधा करते हैं, यहाँ पे रहते हैं, हमको आने जाने की दिक्कत है, तो व्यापारी कैसे आएगा यहाँ पर? हमें बहुत दिक्कत है, प्रशासन से यही उम्मीद है, मीडिया वालों से भी यही उम्मीद है कि उन बेचारी विधवा औरत को, जो उनकी औलाद थी, जो एक तो औलाद पहले ही गुजर चुकी है, दूसरा करंट के कारण बहुत दुखद घटना हो गई, तो उसको भी न्याय दिलाए, और कुछ रस्तों का तो पहले कुछ जल्द से जल्द कुछ किया जाए, नहीं तो हम कुछ कुछ भी यहाँ पर धरने में बैठेंगे या कुछ ना कुछ डिसीजन लेंगे आगे चल के।